हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? और पता है, आज मैं आपको ग अक्षर की कहानी सुनाऊंगी। आप कहानी सुनने के लिए रेडी हो ना? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव था, उसमें गगन नाम का एक लड़का था। गगन को बाल गणेश जी बहुत पसंद थे, वो हमेशा उनकी पूजा करता था। गगन के पास गाय और गधा भी था, गधे का नाम था गोपू। गगन को गाय और गधा बहुत ही पसंद था, हमेशा उनके साथ ही रहता था। एक दिन गगन को दूसरे गांव जाना था, और फिर गगन ने क्या किया, अपने साथ गाय को भी लिया और गोपू को भी लिया। दोनों के गले में रस्सी बांधी और निकल पड़े तीनों। रास्ते में उनको गन्ना, गोभी और गाजर के खेत भी मिले। चलते चलते वो गंगा नदी के किनारे आ पहुँचे। गगन ने कहा कि हम यहाँ पे थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर चलेंगे। गाय और गोपू गधे ने कहा ठीक है। गगन आराम करने लगा। आराम करते करते उसको नींद लग गई और सो गया। यहाँ पे गाय और गोपू गधे ने देखा एक लड़की गुलाब के गमले को पानी दे रही है। दोनों उसके पास पहुँचे और उसका नाम पूछा। तो उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम गुड्डी है और मैं यहाँ पे गमले को पानी दे रही हूँ। गुड्डी ने कहा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं खेलता, क्या तुम दोनों मेरे साथ खेलोगे? गाय और गोपू गधे ने कहा हाँ, जरूर खेलेंगे। तभी यहाँ पे क्या हुआ पता है, गगन नींद से उठ गया और उसने देखा ना ही यहाँ पे गाय है और ना ही गोपू गधा है। वो बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से में सोचने लगा, आज तो मैं इन दोनों की पिटाई करूँगा, और गुस्से गुस्से में ढूंढने चला गया। थोड़ी दूर जाकर गगन ने देखा कि गधा गोपू गेंद के साथ खेल रहा है, गुड्डी झूला झूलते हुए गिनती कर रही है और गाय गिटार बजाते हुए गाना गा रही है। उन तीनों को खेलता देख गगन का गुस्सा गायब हो गया और वो भी उन तीनों के साथ खेलने चला गया। तो ये थी ग अक्षर की कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? इस कहानी के अंदर हमने जो भी ग अक्षर के शब्द सुने हैं वो आपको अपनी मैम को बताना है, ठीक है? तो अब देखते हैं कि ग अक्षर को लिखा कैसे जाता है। स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल सर्कल, वन मोर स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, ये बन गया हमारा ग। आज हमने सीखा कि ग अक्षर को लिखा कैसे जाता है और ग अक्षर से कौन कौन से शब्द बनते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए अक्षर के साथ। बाय बच्चों।